If you learn, you will earn. Dominitech Academy. The paradise for learners. www.dominitech. Audio lectures with assistive technology that ensures ease in understanding and learning. Now let's start the lecture. Here begin the lecture. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब है और आज हम NVDA का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम NVDA को इंस्टॉल कर चुके हैं और उसमें IBM TTS को ऐड कर चुके हैं। आज हम NVDA की सेटिंग्स को चेक करेंगे, इसके अलावा हम एक ऐड ऑन को इंस्टॉल करेंगे और उसकी भी सेटिंग्स को चेक करेंगे। बाय डिफॉल्ट NVDA के अंदर ये सेलेक्ट ऑल, कॉपी, पेस्ट, कट, अनडू ये कमांड्स अनाउंस नहीं होती। इन कमांड्स को NVDA में ऐड करने के लिए हम एक ऐड ऑन करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम जॉस से NVDA पर मूव हो रहे हैं तो हमें इंसर्ट F11 से सिस्ट्रेलिस की आइटम चेक करने की आदत होती है। बाय डिफॉल्ट NVDA के अंदर ये फीचर भी मौजूद नहीं है। ये भी हम इसी ऐड ऑन के ज़रिए ऐड करेंगे NVDA के अंदर। इस ऐड ऑन का नाम है NVDA एक्सटेंशन ग्लोबल प्लगइन। मेरे पास ये डाउनलोडेड मौजूद है। NVDA एक्सटेंशन ग्लोबल प्लगइन 9.7। इस पर मैं एंटर कर रहा हूँ। Add-on installation dialog. Are you sure you want to install this add-on? Yes, कर रहा हूँ मैं। Installing add-on to restart NVDA dialog. Changes were made to add-ons. और यहाँ पर भी मैं ऐसे yes कर रहा हूँ restart के लिए। Install add. Add-ons window. Items view list. NVDA extension global plugin 9.7. ये add-on install हो चुका है। सबसे पहले history items की list check करते हैं insert F11 से। NVDA Global Commands Extension NVDA System Tray Icons S List Dialog Icons 41 min, 39% remaining. Paradise Internet Access Speaker/Headphones 62%. इसको escape करते हैं यहाँ से। Add-ons window items. और अब copy paste command check करते हैं NVDA के अंदर के add हुई है कि नहीं। Start window N O Notepad Untitled Notepad Text Editor Edit Multi Line Blank H A S E E B Hasim Passive selected. ये selected की command ये भी by default NVDA announce नहीं करता। अब कर रहा है। अब copy की check करते हैं। Copy. Cut की check करते हैं। Cut selection removed. और paste की check करते हैं। Paste Hasim. ठीक है, ये commands इसमें add हो चुकी हैं। अब हम सबसे पहले इसी add-on की settings check करते हैं और इसके और भी कुछ functions को discuss करते हैं। इंसर्ट एन से NVDA का मेन्यू खोल रहा हूँ मैं। NVDA मेन्यू। डाउन एरो से प्रेफरेंसेस सब मेन्यू पर आऊंगा मैं। प्रेफरेंसेस सब मेन्यू पी। यहाँ पर राइट एरो से इसको ओपन करते हैं। सेटिंग्स एस। और यहाँ पर अब अप एरो से हम ग्लोबल कमांड्स एड ऑन पर आते हैं। NVDA ग्लोबल कमांड्स एक्सटेंशन सब मेन्यू। ये सब मेन्यू है, इसको भी राइट एरो से ओपन करते हैं। सेटिंग्स एस। और इसकी सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। मैं एंटर कर रहा हूँ। NVDA Global Commands Extension Settings Dialog Categories List Features Installation 106. यहाँ पर फोकस हमारा कैटेगरीज में है। यहाँ पर जिस भी कैटेगरी पर फोकस रख के टैप करेंगे आगे हमें उसकी ऑप्शंस मिलेंगी। मैं डाउन एरो से अगली कैटेगरी पर आता हूँ। NVDA Enhancements 206. यहाँ पर टैप प्रेस करके इसकी ऑप्शंस में जाते हैं। NVDA Global Commands Extension NVDA Enhancements Property Page Editing Grouping Maximum Number of Last Used Symbols Recorded Combo Box 20 Collapse Alt Plus. यहाँ से आगे टैप टैप करते हुए मैं अपनी मतलूबा ऑप्शन पर जाता हूँ जो मैंने आपको चेक करवानी है। Cursors moving grouping punctuation slash six speech history grouping number of display records in ascending order browser grouping browser loop checkbox not checked alt plus p. ये browser grouping के अंदर browse loop। By default NVDA के अंदर जब हम वेब पेजेस के ऊपर नेविगेट कर रहे होते हैं तो पेज जहाँ पर एंड होता है वहाँ से वो रैप करके टॉप पर वापस नहीं आता। अगर हम इस चेकबॉक्स को चेक कर देंगे तो ये फीचर भी NVDA के अंदर एड हो जाएगा। मैं इसको स्पेस बार से चेक कर रहा हूँ। Space checked. अब यहाँ से आगे टैप प्रेस करते हैं। Okay button, cancel button, apply button, alt categories, list NVDA enhancements 206. ये मैं वापस कैटेगरीज में आ गया हूँ। डाउन एरो से अगली कैटेगरी पर जाते हैं। Computer 306. ये कंप्यूटर की कैटेगरी, यहाँ पे टैप प्रेस करके इसकी ऑप्शंस में जाता हूँ मैं। NVDA Global Commands Extension Computer Property Page Windows Grouping No Object Description and Windows Ribbons Checkbox Check Alt Plus N. और यहाँ पर भी मैं टैप टैप करते हुए उस सेटिंग के ऊपर आ जाता हूँ जो मैं चेक करवाना चाहता हूँ। Automatically maximize windows checkbox check alt plus M. इस ऑप्शन का मतलब है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे या किसी भी फाइल फोल्डर की विंडो को ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको नॉट चेक करूंगा क्योंकि मैं मैनुअली करता हूँ।
इस ऑप्शन का ताल्लुक देखने से है, स्क्रीन रीडर की अनाउंसमेंट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लो विजन हूँ इसलिए मैं इसको नॉट चेक करूँगा और जो से भी विंडो मुझे मैक्सिमाइज में चाहिए होगी उसको मैं मैनुअली कर लूँगा। Space, not checked. इस एड ऑन के अंदर मैंने यही सेटिंग करनी थी, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बाय डिफॉल्ट जो हैं वो ठीक होती हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। आप वैसे नेविगेट करके इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें और क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं यहाँ पे इसे ओके कर रहा हूँ। Record volume main recover and recover volume record announce app okay button. अब हम NVDA की बाकी सेटिंग्स चेक करते हैं। मैं इंसर्ट N से NVDA का मेन्यू ओपन कर रहा हूँ। NVDA menu. यहाँ पर मैं डाउन एरो से नेविगेट करूँगा। Preferences sub menu key. Preferences sub menu पर राइट एरो कर रहा हूँ। Settings S. और ये सेटिंग्स यहाँ पर NVDA की सेटिंग्स है, एंटर करके इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। NVDA settings. General, normal configuration, dialog, categories, list, general 1 to 14. यहाँ पर कैटेगरीज की लिस्ट है, यहाँ पर डाउन एरो से हम जो से भी कैटेगरी पर फोकस रखते हुए टैप करेंगे हमें उसकी ऑप्शंस मिल जाएंगी। पहले फोकस हमारा जनरल कैटेगरी पर है, पहले हम इसी की ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। टैप कर रहा हूँ मैं यहाँ से। General property page, NVDA language, requires restart, combo box user default collapse alt plus L. ये NVDA की लैंग्वेज है कि हम NVDA को किस लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश में, यानी इसकी सारी ऑप्शंस हमें इंग्लिश में शो हो रही हैं, इसको इंग्लिश में ही रहने देंगे। यहाँ से टैप कर रहा हूँ मैं। Save configuration when exiting NVDA checkbox checked alt plus S. इसको ऐसे ही रहने देंगे, टैप कर रहा हूँ। Show exit options when exiting NVDA checkbox checked alt plus W. इस ऑप्शन का मतलब यह है कि जब हम NVDA को एग्जिट करेंगे, चाहे शॉर्टकट की के जरिए करें चाहे मैनुअली, तो वो कन्फर्मेशन का डायलॉग हमसे पूछे। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, मैं इसको नॉट चेक कर रहा हूँ। स्पेस नॉट चेक्ड। टैप करते हैं। Play sounds when starting or exiting NVDA checkbox checked alt plus P. यहाँ पर NVDA जब भी स्टार्ट या एग्जिट होता है तो एक साउंड प्ले होता है, ये भी बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, मैं इसको चेक ही रहने दूंगा। टैप कर रहा हूँ। लॉगिन लेवल कॉम्बो बॉक्स इन्फो कोलैप्स अल्ट प्लस ओ। इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, टैप कर रहा हूँ। Start NVDA after I sign in checkbox checked alt plus a. ये ऑप्शन हमने NVDA की क्विक सेटिंग्स में सेट की थी जब NVDA को इंस्टॉल किया था हमने, तो ये मैंने यहाँ पर चेक रखी है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम विंडो के अंदर साइन इन होंगे NVDA ऑटोमेटिकली रन हो जाए। यहाँ से आगे टैप करेंगे। Use NVDA during sign-in requires administrator privileges. Checkbox checked. इस ऑप्शन को भी हमने क्विक सेटिंग में सेट किया था। इसका मतलब यह है कि जब भी साइन इन स्क्रीन आती है, जहाँ पर अगर हमने पासवर्ड लगाया हुआ है, कोई यूजर अकाउंट्स बना के रखे हुए हैं, तो उस स्क्रीन के ऊपर क्या NVDA बोले या ना बोले, इस ऑप्शन को मैंने चेक रखा हुआ है। आपकी मर्जी, आप इसको नॉट चेक भी रख सकते हैं। मैं यहाँ से आगे टैप कर रहा हूँ। Use currently saved settings during sign-in and on secure screens requires administrator privileges button. By default NVDA का जो अपना सिंथेसाइजर है eSpeak या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट का है, साइन इन स्क्रीन पे वो यूज़ होता है। अगर हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो जो IBM TTS और जितनी भी सेटिंग्स हमने की हैं, ये इन्हीं सेटिंग्स समेत साइन इन स्क्रीन पर भी काम करेगा। इसको यहाँ से स्पेस बार प्रेस करके ऑन करते हैं। मैं इसको यहाँ पर ऑफ ही रहने दूंगा। टैप कर रहा हूँ। Automatically check for updates to NVDA checkbox checked alt plus U. ये NVDA का अपडेट चेकर है, ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, मैं इसको चेक ही रहने दूंगा। आप इसको नॉट चेक भी कर सकते हैं। टैप कर रहा हूँ। Notify for pending update on startup checkbox checked alt plus P. ये ऑप्शन भी अपडेट से रिलेटेड है कि नोटिफाई करे अगर हमारे कोई पेंडिंग अपडेट है, ये भी बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, मैं इसको चेक ही रहने दूंगा। आप इसको नॉट चेक भी कर सकते हैं। Allow the NVDA project to gather NVDA usage statistics checkbox checked. ये ऑप्शन भी हमने क्विक सेटिंग मेन्यू में सेट कर ली थी जब हमने NVDA को इंस्टॉल किया था, इसलिए ये यहाँ पर चेक्ड है। आप इसको नॉट चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आगे मैं टैप कर रहा हूँ। ओके बटन और ओके बटन पे स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ। स्पेस। अब यहाँ पर हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं और इससे आगे के लेक्चर्स में हम NVDA की बाकी सेटिंग्स को चेक करेंगे।